अग्निमेळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् सर्वरक्षक रक्षाक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए और जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा हम सब के लिए अन्न जल फल फूल औषधियों से लेकर के जो अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान होता है उस ज्ञान को वेद के माध्यम से हमको प्रदान किया उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए नमन करते हुए वंदन करते हुए और उस परमपिता परमात्मा ने जो हमको वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया है उस वेद रूपी ज्ञान में हम यज्ञ से संबंधित जो मंत्र हैं यज्ञ से संबंधित जो ज्ञान है यज्ञ से संबंधित जो कथन है उसको हम देख रहे थे और जो ईश्वरीय जो वाणी है उस वाणी के माध्यम से हमको जो यह अति उत्तम कर्म अति श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म मिला है तो उसके बारे में हम जान रहे थे और उसमें भी जो यज्ञ है उसके बारे में कुछ जाना फिर जो देव यज्ञ हैं उसके ऊपर हम देख रहे थे कि जो पांच महायज्ञों का विधान किया है ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ बलिवेश देव यज्ञ पितृ यज्ञ इत्यादि जो ये पांच यज्ञ हैं उन यज्ञों की जो पावनी परंपरा चली आ रही है तो आखिर उसका महत्व क्या है वो क्यों हम करते हैं तो उसमें हमने देखा जो ब्रह्म यज्ञ है वो हमारे भीतर की पूर्णता के लिए आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए परमपिता परमात्मा का ध्यान के लिए और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम सुबह शाम संध्या के समय करते हैं उसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं और इसी प्रकार से जो दूसरा यज्ञ है वह यज्ञ है देव यज्ञ देव यज्ञ इस सारे के सारे चराचर जो भूमंडल हैं उसकी पूर्णता के लिए अर्थात जो पंचभूतात्मक यह देह और पंचभूतात्मक यह सारा ब्रह्मांड मानी भूमि जल अग्नि वायु और आकाश यह पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करना या इन पांचों तत्वों का जो अशुद्धिकरण है उसको शुद्ध करना वह काम है देव यज्ञ का तो इसके ऊपर हम देख रहे थे कि यह जो देव यज्ञ है उसमें गृह सामग्री और संविधा की आहुतियों के माध्यम से हम करते हैं और महर्षि दयानंद जी ने जो इस परंपरा को विशेष रूप से चालू किया प्रसारित प्रचारित किया और पंच महायज्ञों से लेकर के सोलह संस्कार पर्यंत के सारे कर्मों में इस यज्ञ को शामिल किए हैं और यह यज्ञ हम सब के लिए अति उत्तम अति श्रेष्ठ और कल्याणकारी हैं और हमारा सुख बढ़ाने वाला है वह है देव यज्ञ तो उस देव यज्ञ के ऊपर हम देख रहे थे कि उस देव यज्ञ के माध्यम से क्या क्या होता है कैसे कैसे हमको लाभ मिलते हैं तो उसमें हमने एक देखा कि एक तो रेडिएशन खत्म होता है हर प्रकार का जो वर्तमान युग में हम मशीनों के माध्यम से देख पाते हैं लेकिन पूर्व काल में हम नहीं देख पाते थे तो अदृष्ट था उस समय या फिर उस समय ऋषि मुनियों ने तो देखा ही था यंत्रों के माध्यम नहीं तो खुद उनकी ऐसी क्षमता सामर्थ्य कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी होगा लेकिन वो ऋषि मुनि लोग तो उसको देखते थे जानते थे और उन्होंने उस रेडिएशन को दूर करने का हमको एक सही तरीका बताया यज्ञ और इसी प्रकार इस यज्ञ को करने से यह वायुमंडल जो है वह भी शुद्ध होता है तो उसके ऊपर आज हम देखते हैं और यह जो यज्ञ हैं वह उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि यह जो यज्ञ हैं शुचि जीवन सहस्रारम्भ जो यह दैनिक यज्ञ या जो भी हम यज्ञ करते हैं उसकी जो पवित्र ज्वालायें होती हैं उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें बनती हैं वह गैसें जो ज्वालाय हैं वो सहस्रारंभ मानी हजारों प्रकार के लाभ प्रदान करने वाले हैं अब इन हजारों प्रकार के लाभों को हम देखते जाए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतने हमको लाभ मिलते हैं तो उसमें हमने कुछ चीज़ें हमको ने देखी थी तो उसमें एक हम स्वास्थ्य के ऊपर भी देख रहे थे तो स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और जिन सामग्री को मानिए जिन औषधीय द्रव्यों को हम अग्नि में डालते हैं वह औषधीय द्रव्य अति सूक्ष्म होकर के इस वायुमंडल में घुल जाते हैं और उस वायुमंडल में जब श्वास ले रहे हैं तो वह जो औषधीय द्रव्य हैं वह जो औषधीय गुण हैं वह हमारी नासिका के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करते हैं लंग्स में और लंग्स के माध्यम से जो भी हम श्वास लेते हैं हमारे लंग्स की एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि लंग्स में एक साइड तो हवा होती है और एक बीच में पतली सी झिल्ली होती है और एक साइड में हवा होती है जो हम श्वास के माध्यम से लेते हैं छोड़ते हैं तो जब हमने श्वास लिया तो उसके माध्यम से इस वायुमंडल में जो तत्व हैं ऑक्सीजन इत्यादि उसको हमने ग्रहण किया और लंस क्या करता है उसमें से जो आवश्यक ऑक्सीजन या और भी जिन चीजों की आवश्यकता है उसको शीघ्रता से ग्रहण करके खून में रक्त में छोड़ देता है जो पतली सी जीली होती है वाहन के माध्यम से वो खून में छूट जाता है और खून में जो अशुद्धि है उन अशुद्धियों को लेकर के वह खून छोड़ देता है वापस हमारे श्वास में मानी हवा में और वो हम श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ ये इतनी सूक्ष्म एक प्रक्रिया है और इतनी तेज गति से चलती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते और यह जो प्रक्रिया है वो एक सेकंड में हमारे शरीर में पांच लीटर खून को घुमा देता है मानी हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट जो सर्कुलेशन का काम करता है खून को आगे बढ़ाना और कंटिन्यूटी में खून को रखना तो वह जो हार्ट है वह हर एक मिनट में हम चाहे बैठे हैं खा रहे पी रहे कुछ भी कर रहे हैं सो भी रहे हैं फिर भी वह हार्ट प्रति एक मिनट में पाँच लीटर खून को सर्कुलेशन कर देता है हर मिनट में पाँच लीटर खून सर्कुलेशन होता है अब आप विचार कीजिए हम जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वहां पर भी वह खून आता है और दूसरी जो हमारी किडनी होती है वहां पर भी यह खून जाता है तो जब यह खून पहले तो पूरे शरीर में जाता है तो जो हमने श्वास लिया तो श्वास लिया उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन या इत्यादि जो अच्छे गुण या जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको शीघ्रता से ग्रहण करके वह खून में छोड़ देता है और जो खून में अशुद्धि है जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको शीघ्रता से वो वापस लंस में छोड़ देता है और लंस हवा के माध्यम से हम वापस प्रश्वास के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो कितनी शीघ्रता से प्रक्रिया चल रही है हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं कंटिन्यू है और वो प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है खून से वो अशुद्धि ली बाहर छोड़ी और वायु से जो नई वायु आई उसमें से जो पौष्टिक आहार या जो तत्वों की आवश्यकता है ऑक्सीजन आदि उनको लिया और उनको लंग्स में छोड़ दिया लंग्स ने खून में छोड़ दिया और वह खून शुद्ध हो गया वो फिर आगे जाता है और वो फिर आगे पूरे शरीर में पहुंचता है और सब जगह पे वो ऑक्सीजन दे और जो अशुद्धि होती है उसको लेकर के फिर वापस आता है और कुछ अशुद्धि ऐसी होती है जो हमारी किडनी इसको फिल्टर करती हैं किडनी के माध्यम से जो फिल्टर होता है वो प्रवाहित द्रव्यों के रूप में जिसको हम मूत्र के रूप में जानते हैं यूरिन के रूप में जानते हैं तो किडनी भी उसको हमेशा इसी प्रकार से निरंतर शुद्ध करती है उस खून को और उस खून में कुछ अशुद्धि कुछ अशुद्ध द्रव्य है उसको मूत्र के माध्यम से हमेशा निष्कासित करती रहती हैं और कुछ अशुद्ध द्रव्य हमारी नासिका के माध्यम से निरंतरता के साथ बाहर छोड़े जा रहे हैं तो इस प्रकार से इस खून को निरंतरता के साथ शुद्ध करने का काम भी चलता है और नासिका के माध्यम से वो जो पौष्टिक द्रव्य होते वो भी हमारे भीतर जाते हैं और लोगों का कहना है कि हम जो ये श्वास प्रश्वास ले रहे हैं उसके माध्यम से हम जो अपनी पूरी दिनचर्या करते हैं दिन भर की जो हमारी एनर्जी है उन एनर्जी का 80 परसेंट हिस्सा हम नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो इसलिए यह जो 80 परसेंट हिस्सा है वह हमारा शुद्ध हो वह पोषक तत्वों से युक्त हो वह औषधीय द्रव्यों से युक्त हो वह घृत जैसे जो अमृत हैं, उससे युक्त हो उसके लिए हमको यज्ञ करना चाहिए और जब हम यज्ञ करते हैं तो यह सारा जो वायुमंडल है जिसमें हम श्वास ले रहे हैं वो घृत से भी युक्त हो जाता है वो सामग्री जो हम अग्नि में डालते हैं वह जो औषधीय द्रव्य है उसके जो औषधीय गुण हैं उससे भी वह वायुमंडल युक्त हो जाता है और उस वायुमंडल को जब हम धारण करते हैं मानी श्वास के माध्यम से भीतर धारण करते हैं तो उन्हीं गुणों से युक्त वायु भीतर गई और वही कुछ ही सेकंडों की एक प्रक्रिया जो है चल रही है श्वास प्रश्वास की उसके माध्यम से खून में खून के माध्यम से पूरे शरीर में चली जाती है और पूरा का पूरा हमारा शरीर शुद्ध होने लग जाता है इसलिए यह जो औषधीय द्रव्य है वह औषधीय द्रव्य हम सब लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं और अति सूक्ष्म प्रक्रिया के माध्यम से वो हमारे शरीर में काम करते हैं और हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी प्रदान करते हैं और इसलिए वेद में कई सारे ऐसे मंत्र और एक सुक्त पूरा आता है जिसके ऊपर हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे उस सुक्त में ऐसे विशेष रूप से बताया है कि यह जो यज्ञ है उस यज्ञ के माध्यम से मैं मानी परमपिता परमात्मा यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस यज्ञ के माध्यम से रोगी को निरोगी बनाता हूँ जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नष्ट हो गई है जो मृत्यु के मुंह तक चला गया मानी बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गया है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो गई है जिनकी आयु क्षीण हो गई है उसको भी मैं उस स्थिति से बाहर लाता हूँ और 100 साल तक की उनकी आयु को स्वस्थ बनाता हूं और शक्ति के साथ प्रदान करता हूं। इसलिए परमपिता परमात्मा स्वयं वेद मंत्रों के माध्यम से प्रतिज्ञा करते हैं और आगे हम देखेंगे वो पूरा एक सूक्त दे दिया है यज्ञ के माध्यम से जो रोग मिटाने की बात है उसके ऊपर हम दृष्टि डालेंगे उसको हम देखेंगे आगे तो यह जो यज्ञ है वह हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं जो भी विकृतियां हैं उन विकृतियों को भी दूर करने का कार्य करता है और सामान्य से सामान्य जो बीमारी तो सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के जो बड़ी बीमारियाँ हैं टीबी कैंसर या हार्ट डिजीज उन बड़ी बीमारियों को भी ख़त्म करने का काम यज्ञ करता है और ये हमने प्रयोग परीक्षण से भी पाया है जिन लोगों के ऊपर हमने प्रयोग किए जिन लोगों ने इस यज्ञ को अपनाया उन लोगों ने भी इसका अनुभव किया है और आगे हम इसके ऊपर साइंटिफिक रूप से भी काम करने जा रहे हैं और अभी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और आगे इन एक एक विषय जो वेदों में जिन यज्ञों का विधान किया है यज्ञों में जिन मंत्रों के माध्यम से एक एक विशेष प्रकार के लाभों को बताया है उन हर एक लाभ को देख करके उन मंत्रों के ऊपर हम अनुसंधान करेंगे और यज्ञ करके हम इन इफेक्टों को देखेंगे कि आखिर में इसका जो है पौधों के पर वनस्पतियों के पर भूमि के ऊपर वायुमंडल के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर मन के ऊपर हमारे आध्यात्मिक जो लाभ जैसे आध्यात्मिक लाभों को हम देखें तो हमारा जो ओरा होता है उस ओरा के ऊपर जहाँ हमारे भीतर जो चक्र मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार्थ तक जो चक्र होते हैं उसके ऊपर भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है वहाँ से लेकर के जो भी स्थूल और सूक्ष्म जो भी इसके प्रभाव बताए हैं और वर्तमान टेक्नोलॉजी जो साइंस है वो जहाँ तक अनुसंधान कर पाता है वहाँ तक के सारे हम अनुसंधान करेंगे देखेंगे और प्रयोग परीक्षण करके हम आप सबके सामने रखेंगे और आप सबके इन्हें पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और आज हमको आवश्यकता है इस यज्ञ को अपनाने की आज हम सबको आवश्यकता है इस यज्ञ को अपनाने की और इस यज्ञ को करके इनके जो प्रत्यक्ष लाभ हैं उन प्रत्यक्ष लाभों को उठाने की जैसे हम पुरातन शास्त्र की बात करें तो पुरातन शास्त्रों में जितनी यज्ञ के भौतिक लाभ या दृष्ट लाभ नहीं बताए हैं उससे कई गुना मानी दस प्रतिशत लाभ प्रत्यक्ष दृष्ट हैं तो 90 लाभ अदृष्ट बताए हुए हैं तो इन लाभों को हम सिद्ध करें और इन लाभों को हम प्राप्त करें और इनको में भी हम प्रस्तुत करें। वेद क्या है एक साइंस की भाषा है है वेद क्या संपूर्ण सत्य भाषा है बस उसको हम सब लोग मानते हैं भारतीय जनता मानती है ऋषि संस्कृति मानती है हिंदू संस्कृति भी मानती है और उससे अतिरिक्त और भी लोग मानते हैं लेकिन जो लोग इस भाषा को नहीं मानते हैं वो लोग साइंस की भाषा को मानते हैं तो बस हमको तो काम इतना ही तो करना है कि यह जो भाषा है वेद की भाषा उसको साइंस की भाषा में हमको उसके सामने प्रस्तुत करना उससे ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं इसलिए परम पूजी आचार्य बालकृष्ण जी जो अपने प्रवचनों में और बार बार वो बताते रहते हैं कि हमारे जो शास्त्रों में हमारे जो वेदों में हमारे जो उपनिषदों में हमारे जो दर्शनों में हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथों में बातें बताई हैं वह बातें कोई भी असत्य या झूठी या कोई वो नहीं है और उसका प्रयोग हमने किया है हमारे ऋषि मुनियों ने किया और हजारों लाखों सालों से करोड़ों सालों से उसका प्रयोग होता चला आ रहा है और पुरातन काल में देखे तो आयुर्वेद जैसी जो विशेष पद्धतियाँ हैं वह पद्धतियां तो आयुर्वेद के ऊपर ही तो टिकी हुई थी आयुर्वेद के द्वारा ही तो चिकित्सा हुई थी और ये एलोपैथी इत्यादि जो पद्धतियाँ निकली उसका इतिहास देखे तो बहुत कम काल का इतिहास है उसका कुछ सालों से वो निकली हुई है लेकिन लाखों करोड़ों सालों से जो पद्धतियाँ चले वो वही तो चली आ रही है लेकिन अभी वर्तमान युग में वो लोग उन चीजों को नहीं मानते बस उनको हम वर्तमान में जिन टेक्नोलॉजी को मानते हैं जिन प्रमाण को मानते हैं उस प्रमाण से उसको युक्त करना पड़ेगा और आज पतंजलि योग पीठ आयुर्वेद से लेकर के इन सारे कामों को साइंटिफिक रूप से काम करने का काम कर रही है जिसमें पतंजलि के पास जो चार लेबे हैं जो आदर्श हैं जो विशेष रूप से प्रामाणिक जो लेब हैं ऐसी चार लेबे हैं और उसमें इसका विस्तार रूप से कार्य चल रहा है और इस कार्य को करके जो आयुर्वेद जिन चीज़ों को मॉडल साइंस के लोग जिस रूप में मानते हैं पूरा विश्व पूरी दुनिया उस रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं जो एनिमल ट्रायल सेल कल्चर से लेकर के सेल ट्रायल और अन्य भी जो चीज़ें होती हैं इसमें उन सारी चीज़ों को करके उसको उस रूप में प्रस्तुत करें और वास्तव में वो चीज़ें वैसे कि वैसे ही प्रस्तुत हुई हैं और घटित हुई हैं और वैसे ही उसके परिणाम साइंटिफिक रूप से भी मिले हैं तो और यह जो यज्ञ की हम चर्चा कर रहे हैं यज्ञ की जो बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से काम करने जा रहे हैं और इसका परिणाम भी हम सब लोगों के सामने बहुत कम काल में ही आ जाएंगे और हम इस यज्ञ को आध्यात्मिक रूप से तो देखेंगे ही देखेंगे आध्यात्मिक लाभों को तो उठाएंगे ही उठाएंगे जो नब्बे प्रतिशत अदृष्ट लाभ है उसको तो हम प्राप्त करेंगे लेकिन उसके साथ जो प्रत्यक्ष लाभ है जो दृष्ट लाभ है जैसे वायुमंडल का शुद्ध होना भूमि का उर्वरक बनना या जो भी फल फूल औषधिया वनस्पतियाँ इत्यादि की हम खेती करते हैं सब्जी इत्यादि की उसकी जो गुणवत्ता है उसका बढ़ना उसकी क्वालिटी का बढ़ना उनकी क्वांटिटी का बढ़ना उनके पेड़ पौधे विश्व वनस्पति उस अच्छा होना उनका रंग रूप इत्यादि का भी अच्छा होना उनका आकार इत्यादि फल इत्यादि का बढ़ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हम सब प्रूव करेंगे और उसके आधार पर हम इसको फिर से प्रायोगिक स्तर पर ला पाए फिर से हम इसका प्रयोग ले पाए और इसका प्रयोग लेकर के हमारा व्यक्तिगत जीवन से लेकर के यह जो हमारा समष्टिगत जीवन है सामाजिक जीवन है उसमें भी सत्व की प्रतिष्ठा हो उसमें भी सात्विकता का आधान हो और सारी चीजें ऐसी हो जहाँ पे दिव्यता हो भगवत्ता हो और उसका हम उस रूप में प्रयोग करें कि वो जहर से मुक्त हो जैसे हम अभी वर्तमान में खेती ही करते हैं उसको ही देखें तो उसमें जो जहरीले खाद जहरीली कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो अन्न है जो फल हैं जो सब्जियाँ हैं वो भी जहरीले हो रहे हैं वो भी जहर से युक्त होते हैं और जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है वह जहर हमारे पेट में जाता है वह पेट में जाकर के फसता है हमारे शरीर में पूरे शरीर में वह जहर स्थित होता है और हम इन रोगों से युक्त होते हैं रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं तो उससे आखिर में हम कैसे ऊपर उठे उससे हम कैसे बचे उसके लिए आवश्यक है हम फिर से ऑर्गेनिक प्रक्रिया जो सात्विक प्रक्रिया है उसको अपनाए तो इसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है और उसको साइंटिफिक रूप से भी प्रूव करने की आवश्यकता है और दूसरा उसकी आम सामान्य जनता तक प्रसार प्रचार करने की आवश्यकता है क्यों क्योंकि कोई भी वस्तु है उसको जब व्यक्ति जानेगा उसके लाभों को देखेगा उसके बारे में डिटेल से जानेगा और उनके जो विशेष लाभ है उनको भी वो जानेगा तभी तो हमारी प्रवृत्ति होती है कहीं पर भी हम देख लें होता क्या है जब तक हमारे सामने उसके लाभ ही नहीं है हमको पता ही नहीं है कि वो क्या है क्या लाभ है और कैसे हमारे लिए उपयोगी है तो हम हमारी प्रवृत्ति आखिर में उसमें कैसे होगी नहीं हो पाएगी लेकिन उसमें प्रवृत्ति हमारी होती है तब जब उनके लाभों को उनके गुणों को देखेंगे और आज पूरा जो विज्ञापन संस्थान चल रहे हैं उसके पीछे क्या है विज्ञापन एडवर्टाइज क्यों दी जाती है कोई भी वस्तु की कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी चीज की क्यों वो उसके जो गुण हैं वो व्यक्ति जाने उसके जो लाभ है वो व्यक्ति जाने उसका कैसे प्रयोग करना है उसको व्यक्ति जाने और कैसे हम अपने कामों को भी उसके माध्यम से सरल बना सकते हैं या उसके लाभ उठा सकते हैं उसको देखता है फिर उस कर्म में वो प्रवृत्त होता है उस प्रोडक्ट को खरीदता है अपने घर में लाता है फिर उसका प्रयोग करता है उसके लाभ उठाता है तो उसी प्रकार से हमको आवश्यकता है कि जिस यज्ञ को हम जानते तो हैं लेकिन आंशिक रूप में और हमारी परंपराओं में है इसलिए हम जानते हैं हमारे शास्त्र में है इसलिए हम जानते हैं लेकिन उनके जो गहन लाभ हैं उसके जो विशेष लाभ हैं जो यहाँ पे बताया कि जो यज्ञ है अग्नि हो सहस्त्र प्रकार के लाभ देने वाली है अब उसको हम जानेंगे देखेंगे और उसको हम अपने मन में दोहराएंगे और लाएंगे तभी तो हम उसको जानेंगे और जानेंगे तभी तो हमारी उसमें प्रवृत्ति होंगे और जब हम उसमें प्रवृत्त होंगे तभी तो उसके लाभ हमको प्राप्त होंगे तो उसके लिए प्रक्रिया है तो उसके लिए आम सामान्य जनता पहले तो तो जो जो वेदों में में दर्शनों में में उपनिषदों दर्शनों यज्ञ के बारे में तो उसको साइंटिफिक रूप से प्रूव करना दूसरा उसको सरल तरीके में लाना जब क्लिष्ट पद्धति होगी ज्यादा कष्टदायक होगी या ज्यादा समय की अपेक्षा रखने वाली होगी या उसमें ज्यादा खर्च आ रहा है फिर भी व्यक्ति अपनाने में संकोच करेगा बचेगा लेकिन जब वो सरल पद्धति होगी तो उसकी भी खोज करें फिर दूसरा आम सामान्य जनता तक उसको पहुंचाना ये तीन काम ऐसे विशेष हैं जो करने लायक है और आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करने की इसकी अत्यंत तो आवश्यकता है क्यों क्योंकि जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं उस वायुमंडल का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है और वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित हो गया है और उसको शुद्ध करने का सरलतम और सही कोई तरीका है तो वह है यज्ञ हवन अग्निहोत्र तो उसको करने की आवश्यकता है और उसको हम करेंगे और आप सब लोगों के साथ हम भी मिल करके इस यज्ञ को स्वयं करें औरों को करने के लिए प्रेरित करें इस यज्ञ के लाभों को स्वयं जाने औरों को भी हम जनवाएं और इस यज्ञ के लाभों को प्राप्त करके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के इस समष्टिगत जीवन में भी और इस पंचभ के आदेश से लेकर के पंच भूतात्मा के सारे ब्रह्मांड में हम पूर्णता को प्राप्त कर सके और इसमें दिव्यता का आधान कर सके सात्विक का आधान कर सके तो वह कर्म है यज्ञ तो आइए हम सब इस दिव्य कर्म भागवत कर्म यज्ञ को अपनाएं स्वयं करें औरों को करने के लिए प्रेरित करें स्वयं इसके बारे में जाने औरों को भी इसके बारे में जानकारी दें और इसके सारे लाभ उठा करके सब जगह पे दिव्यता का आधान करते हैं आज इतना ही इसी के साथ ओ शांति 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 ही